गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स टू द पॉइंट में आप सभी का स्वागत है आज के वीडियो में हम एक ऐसे बिल के बारे में बात करेंगे और जो इन्वेस्टर प्रोटेक्शन के लिए लाया गया था लेकिन वो पास नहीं हो पाया लोकसभा में ड्यू टू इट्स क्लॉज़ेस तो आइए बिल के बारे में देख लेते हैं कि क्या है फाइनेंशियल रेजोल्यूशन एंड डिपॉजिट इंश्योरेंस बिल सो so स्टार्ट ते हैं पहली स्लाइड से फाइनेंशियल रेजोल्यूशन एंड डिपॉजिट इंश्योरेंस बिल सीक्स टू एम्पावर सेंट्रल गवर्नमेंट टू क्रिएट अ सिंगल एजेंसी फॉर रेजोल्यूशन ऑफ़ फाइनेंशियल फर्म्स एज बैंक इंश्योरेंस कंपनीज नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज एंड स्टॉक एक्सचेंजेस इन केस ऑफ डिलीवरी सो फ्रेंड्स ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा एक बैकग्राउंड देना चाहूँगी आपको क्या होता है कि आपने देखा होगा कि आ, जो हम लोग होते हैं वो अपने पैसे बैंक्स के साथ डिपॉजिट कराते हैं या इंश्योरेंस कंपनी के साथ उनसे प्रोडक्ट्स लेते हैं और बहुत सारी ऐसी नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज भी होती हैं जो डिपॉजिट एक्सेप्टिंग होती हैं जिनके साथ हम डिपॉजिट अकाउंट्स खुलवाते हैं मान लीजिए अगर ये कंपनीज या बैंक्स इंसॉलवेंट हो गए मतलब लिक्विडेशन में चले गए इनके असेट्स तो वो पैसे तो जो हमने डिपॉजिट कराए थे वो उनको कैसे वापस करेंगे वो तो नहीं कर पाएंगे उनके पास वो सॉलवेंट नहीं है लिक्विडिटी नहीं है तभी तो वो इंसॉलवेंट हो गए तो ऐसे केस में एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसको हम बोलते हैं डी मतलब डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन वो पैसे रिलीज़ करती है और हर अकाउंट होल्डर को जिनके डिपॉजिट्स हैं बैंक के साथ उनको एक लाख रुपए वापस करती है अब यहाँ प्रॉब्लम क्या थी कि मान लीजिए कि आप अकाउंट होल्डर हैं और आपने पचास लाख का डिपॉजिट खोल रखा है बैंक के साथ ठीक है लेकिन आपको रिटर्न में सिर्फ कितने मिलेंगे एक लाख क्यों क्योंकि सिर्फ़ एक लाख तक का ही अमाउंट इंश्योर करती है डी उससे ऊपर का नहीं करती इरिस्पेक्टिव ऑफ़ द अमाउंट आपने कितने पैसे डिपॉजिट कराए हुए हैं मान लीजिए कि अगर आप डिपॉजिटर हैं और आपने सिर्फ़ पचास हज़ार रुपये का डिपॉजिट अकाउंट खोला हुआ है तो आपको पूरे पचास हज़ार के पचास हज़ार मिल जाएंगे क्यों क्योंकि आ, जो उनकी इंश्योरेंस लिमिट है वो वन लाख रुपीज़ पर अकाउंट तक की है जो कि एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक था डी का क्योंकि आ, अगर आप इन ऐसे बड़े इन्वेस्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए जिन्होंने बहुत ज़्यादा पैसे डिपॉजिट करा रखे हैं तो उनको रिटर्न में सिर्फ कितने तक की इंश्योरेंस मिलती है एक लाख रुपए तक की मतलब अगर बैंक लिक्विडेड होगा या इंस्टॉलमेंट होगा तो उनको सिर्फ एक लाख रुपए ही रिटर्न में मिलेंगे तो इन सब चीज़ों को हटाने और इम्प्रूव करने के लिए गवर्नमेंट फाइनेंशियल रेजोल्यूशन एंड डिपॉजिट इंश्योरेंस बिल लेके आई थी तो इस बिल में क्या है इन्होंने ये बिल जो है ये पावर देती है सेंट्रल गवर्नमेंट को टू क्रिएट अ सिंगल एजेंसी एक एजेंसी क्रिएट करने की जिसको बोलेंगे रिजोल्यूशन कॉरपोरेशन जो कि हेल्प करेगी किन के लिक्विडेशन में बैंक्स इंश्योरेंस कंपनी एन के अर्लियर इससे पहले क्या था इट वॉज डी जो कि डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन है बच यूज़ टू प्रोवाइड मनी टू द डिपॉजिटर्स इन केस द बैंक हैज़ टू बी लिक्विडेटेड The new bill talks about closing DICGC and setting up a new resolution corporation with head office in Mumbai. जो ये resolution corporation होगा, इसका head office कहाँ होगा? Mumbai में होगा, and that will take care of the resolution process. और जितनी भी proceeding है insolvency की, वो यही देगी। चलते हैं next slide पे provisions of the bill को भी फटाफट डिस्कस कर लेते हैं। सो so, इसके कुछ प्रोविजन ये थे कि फर्स्ट तो ये है कि रिजोल्यूशन कॉरपोरेशन जो है वो सेटअप होगी बॉम्बे में कॉरपोरेशन शैल हैव द सेम पावर्स एज वेस्टेड इन अ सिविल कोर्ट अंडर कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर ट्राइंग अ सूट कोई भी अगर प्रोसीडिंग्स uh, हो रही है तो जो रिजोल्यूशन कॉरपोरेशन है उसके पास सेम पावर होगी जो एक सिविल कोर्ट के पास होती है अंडर सी पी सी नाइन जीरो एट मतलब सी पी सी इज़ कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर द फाइनेंशियल फॉर्म्स विल बी क्लासीफाइड इंटू फाइव कैटेगरीज ऑन द बेसिस ऑफ फाइनेंशियल रिस्क टू एंश्योर दैट देर इज़ क्लियर मैकेनिज़्म फॉर असेसमेंट मोनिटरिंग एंड डीलिंग विद द इमिनेंट फेलियर्स बिफोर दे अकर तो क्या है जितनी भी हमारी बैंक्स हैं एन बी एस सीज हैं इंश्योरेंस कंपनीज हैं उनको ये पाँच कैटेगरी में डिवाइड करेंगे और इनके कुछ क्राइटेरियाज हैं वो हमें अभी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है उन क्राइटेरियाज़ के बेसिस पर ये फॉर्म्स को पाँच कैटेगरी पर डिवाइड करेंगे और उसके ऊपर ये उसके बाद ये डिसाइड करेंगे कि एक पर्टिकुलर कैटेगरी में हमको किस प्रकार के एक्शन ले रहे हैं फोर्थ इफ़ एन इंस्टीट्यूशन हैज बीन क्लासिफाइड क्रिटिकल, इट्स मैनेजमेंट विल बी टेकन ओवर बाय द रेजोल्यूशन फॉर्म फॉर रीस्टोरेशन एंड रिसोल्यूशन सो so फ्रेंड्स जो ये एफ रेजोल्यूशन कॉरपोरेशन है क्योंकि अब यही रिस्पॉन्सिबल है रेजोल्यूशन uh, प्रोसेस के लिए तो जो मैंने आपको बताया था पांच कैटेगरी में डिवाइड करेंगे उसमें से एक कैटेगरी है क्रिटिकल और जब uh, कोई भी फॉर्म क्रिटिकल कैटेगरी के अंडर आती है तो मतलब क्रिटिकल uh, से नाम आपको समझ आ रहा होगा बहुत क्रिटिकल है उसकी कंडीशन और तब उसका जो मैनेजमेंट है वो टेक ओवर कर लिया जाएगा रेजोल्यूशन फर्म द्वारा बाकी की जो चार कैटेगरीज हैं वो आपको एक बार मैं बता देती हूँ एक कैटेगरी है लो एक है model, मॉडरेट एक है मटीरियल और फोर्थ है इमिनेंट और जो फिफ्थ कैटेगरी थी वो है क्रिटिकल मतलब बहुत ज़्यादा ही कंडीशन ख़राब है और ऐसे केस में जो रेजोल्यूशन फर्म है वो उसका मैनेजमेंट टेक ओवर कर लेगी रेजोल्यूशन मे बी टेकन अंडर यूजिंग मेथड्स लाइक मर्जर एंड एक्विजिशन ट्रांसफरिंग द दैसेट्स लाइबिलिटीज एंड मैनेजमेंट टू अ टेम्प्रेरी फर्म लिक्विडेशन बेलन तो ये जो चार आ, तरीके हैं इनके थ्रू रेजोल्यूशन कर सकते हैं मतलब या तो किसी उस कंपनी को किसी के साथ मर्ज कर देंगे या उसका एक्विजिशन हो जाएगा उसके असेट्स को कुछ टाइम के लिए एक स्पेशल पर्पज़ व्हीकल बना देंगे जिसमें उनके सारे असेट्स और लाइबिलिटीज़ को ट्रांसफर कर दिया जाएगा फर्म को लिक्विडेट कर देंगे या फिर बेल इन मतलब गवर्नमेंट आके हेल्प करेगी और बेल आउट कर देगी सिचुएशन सो जो लोकसभा में मुद्दा उठा था वो इस बेल इन क्लॉज पे ही उठा था और इस वजह से ही कहीं ना कहीं ये बिल पास नहीं हो पाया सो so, ये थे हमारे प्रोविजन्स uh, बिल के चलते हैं लास्ट स्लाइड पे कंसर्न्स क्या थे बिल के साथ सो द फर्स्ट कंसर्न ये था द प्रपोज बिल सिक्स क्लोजर ऑफ डी आई सी जी सी एज द क्रेडिट गारंटी विल बी टेकन केयर ऑफ द रेजोल्यूशन कॉरपोरेशन तो अब जो डी आई सी जी सी पहले गारंटी प्रोवाइड करती थी डिपॉजिट पे एक लाख रुपए तक का उसको तो क्लोज करने की बात बोली गई और अब उसकी जगह क्या आ जाएगा रेजोल्यूशन कॉरपोरेशन और इसका अलग ही तरीका था कैसे ये फर्म को पांच कैटेगरीज में डिवाइड कर रही थी और उस बेसिस पे डिसाइड करती कि कैसे डिपॉजिटर्स के पैसे को सिक्योर करना है तो ये एक बहुत बड़ा मुद्दा था फिर नेक्स्ट पॉइंट रिजोल्यूशन कॉरपोरेशन इज़ इम्पावर टू मॉनिटर फाइनेंशियल फर्म्स कैलकुलेट स्ट्रेस एंड टेक करेक्टिव एक्शंस इन केस ऑफ फेलियर फिर आई थिंक ये पॉइंट बहुत ईजी है और शायद समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको ये जो थर्ड पॉइंट है ये बहुत ही ट्रबल सम था इसमें ये था कि अगर कंपनी लिक्विडेट हो रही है तो डिपॉजिटर्स अपने अधिकार खो देंगे टू रिट्रीव देयर सेविंग्स इन केस ऑफ लिक्विडेशन सो फ्रेंड्स ये ये पॉइंट बहुत ही प्रॉब्लमेटिक था क्योंकि डिपॉजिटर्स uh, अपने राइट्स को लूज कर रहे थे अगर कंपनी लिक्विडेट अगर मर्जर हो रहा है या बेल आउट हो बेल इन हो रहा है तो उनमें कोई प्रॉब्लम नहीं है बट अगर कंपनी लिक्विडेट हो रही है तो उसके साथ साथ ही डिपॉजिट के डिपॉजिटर्स के राइट भी चले जा रहे थे इस वजह से भी काफ़ी विवाद हुआ था इस पॉइंट को लेके इट डज़ नॉट स्पेसिफाई द फिक्स इंश्योर्ड अमाउंट टू बी पेड बाय द बैंक टू द रेजोल्यूशन कॉरपोरेशन पहले था एक लाख लेकिन अब कुछ क्लैरिटी नहीं थी वेगनेस थी कि कितना अमाउंट uh, या कितना सम इंश्योर्ड होगा रेजोल्यूशन कॉरपोरेशन द्वारा एंड लास्ट पॉइंट ये है इट डज़ नॉट इवन स्पेसिफाई द अमाउंट डिपॉजिटर वुड बी पेड इन केस ऑफ लिक्विडेशन कुछ भी क्लैरिटी नहीं थी कितने अमाउंट तक के डिपॉजिटर्स इंश्योर्ड होंगे किस अमाउंट से इंश्योर्ड होंगे तो इन सब बहुत ही वेग प्रोविजंस की वजह से कहीं ना कहीं ये बिल पास नहीं हुआ हो पाया लोकसभा में सो फ्रेंड्स ये बिल जो है स्क्रैप ऑफ कर दिया गया है और अभी भी डी है जो डिपॉजिटर्स के डिपॉजिट पे इंश्योरेंस प्रोवाइड करती है बैंक्स को सो so फ्रेंड्स हमने जो मेजर प्रोविजंस थे बैंक सॉरी बिल से रिलेटेड वो हम डिस्कस कर चुके हैं कि आ, बिल किस से रिलेटेड था फिर उसके प्रोविजंस क्या थे और उसकी लमिटे या शॉर्टकमिंग्स क्या थी जिस वजह से ये पास नहीं हो पाया सो फ्रेंड्स दिस इज ऑल फॉर द टूडेज वीडियो स्टे फिट स्टे एट होम थैंक यू सो मच फॉर योर पेशेंस